कोतवाली पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी सिम से धोखाधड़ी कर धन हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर विकास कुमार व लोकेश चंद को गिरफ्तार किया। शातिर अभियुक्तों के कब्जे से 169 प्री एक्टिवेटेड सिम, भारी मात्रा में आधार कार्ड, 2 एंड्रॉइड मोबाइल व 1 बाइक पुलिस से बरामद किए। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग जनपद सीतापुर व लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रीब्यूटर से सिम कार्ड खरीद कर सिम एक्टिवेट करा लेते थे। मोबाइल में सिम डालकर पेटीएम खाता बनाकर अपने गैंग के सदस्य को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। फर्जी तरीके से वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी कर लोगों के पैसे निकाल कर अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए अभियुक्त थाना लहरपुर जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। पिछले दिनों हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर से साइबर जागरूकता का एक अभियान चलाया गया था पूरे स्टेट वाइज। उसी के बाद हम लोगों ने इस पर काम भी शुरू किया था और हमारी साइबर सेल की टीम ने इस पर कुछ दिनों से लगातार सर्विलांस कर रही थी। और तो ये जो शातिर अपराधी जिसमें कि लोकेश और विकास बेसिकली सीतापुर के रहने वाले हैं लेकिन लखीमपुर खीरी में ये लोग रह रहे थे और ये लोग 2 ऐप के माध्यम से, पहला तो ये फेक आईडी मेकर ऐप के माध्यम से फेक जो है ये आधार कार्ड बनाते थे और उसके बाद फिर बेस्ट कार्ड प्रिंट इन साइट पर जा करके ये आधार या फिर ये पैन कार्ड और इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, उस आधार पर सिम प्राप्त करना और सिम को फिर शातिर जो ठग हैं उड़ीसा, जामताड़ा, झारखंड में, दिल्ली, जो साइबर जो ठग हैं उनको ये बेचते थे ऊंचे दामों पर, क्योंकि सिम मिल जाने के बाद वो फिर उसके माध्यम से पेटीएम एक्टिवेट करते थे और फिर लोगों को ठगी काम करते थे। तो इस ग्रोह के 2 शातिर जो अपराधी हैं वो अभी लखनऊ में उनका एड्रेस मिल गया है और उस पर हमारी काम टीम काम कर रही है, उनको भी जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे।